यमुनानगर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां समय से पहले एक महिला ने बच्चों की डिलीवरी की है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे तीन। माँ और तीन बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक साथ तीन बच्चों के जन्म को लेकर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। महिला की पहले से दो बेटियां हैं और इन बच्चों के बाद अब वो पांच बच्चों की माँ बन गई है। अब उसे दो बेटी और एक बेटा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक यमुनानगर के गाँव टॉपर खुर्द की रहने वाली महिला ने 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन अचानक ही उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का ऑपरेशन हुआ और एक साथ उसने 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। महिला का कहना है कि उसके परिवार में खुशी का माहौल है। वो एक साथ 5 बच्चों की माँ बनी है। बहुत अजी। पहले कितने बच्चे थे मैम? 2 गुड़िया। तो अब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बहुत। डॉक्टर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई उपलब्धि डॉक्टर को मिली, आपको मिली? डॉक्टर तो बहुत अच्छे है जी, उन्होंने जैसे ट्रीटमेंट किया ना, ऑपरेट में भी ऐसा लग नहीं रहा कि ऑपरेट किया हुआ। बहुत ही अच्छा, मतलब कि अब कल मैंने बोला कि मुझे कमजोरी आ रही, मैंने मैम से कहा कमजोरी आ रही, तो उन्होंने तुरंत ऐसी मेडिसिन दी कि आज लग भी नहीं रहा कुछ ऐसा भी हुआ या नहीं हुआ। अब कितने बच्चों ने जन्म लिया? लड़का है, लड़की है? क्या एक लड़का है जी, 2 गुड़िया है अभी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4 बेटियां और एक भाई हो गया है अब। कोई बात नहीं जी, वो तो देखो कहना उसकी है, फिर भी मैम ने बहुत ही जिस हिसाब से बच्चे थे ना, पूरे यमुनानगर में भी केस वो नहीं करा था, यहाँ पे मैम ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। 7th मंथ में डिलीवरी होगी अभी मेरी, और बच्चों में बहुत ही कम है, कोई कमी नहीं है, एक वेट किया थोड़ा सा बस। मैम ने जैसे जैसे दवाइयाँ दी, उनमें जैसे कैसे भी कुछ भी कमी होती थी ना, कुछ नहीं है। मैडम ने दवाइयाँ मेडिसिन इतनी अच्छी दी ना, सिर्फ एक वेट, वो भी थोड़ा सा अगर टाइम होता ना 9th मंथ, तो उनमें वेट की भी कोई कमी नहीं रहती। वहीं महिला का ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर मनप्रीत ने बताया कि उनके अस्पताल में ये पहला केस है जब एक साथ 3 बच्चों को महिला ने जन्म दिया हो। उन्होंने कहा कि ऐसे केस कई दफ़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि महिला की प्रीमैच्योर डिलीवरी थी, लेकिन फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। हमारे हॉस्पिटल में ये ट्रिपलेट डिलीवरी हमने करी है। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी एक कॉम्प्लिकेटेड केस माना जाता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि बच्चों के अंदर डेथ हो सकती है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन से प्रीटर्म लेबर हो सकता है, पानी की थैलियाँ पहले रप्चर हो सकती हैं। जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं ये भी बहुत प्रकार की होती हैं, कि सारे बच्चे एक ही थैली में हैं, या बच्चों की अपनी अलग अलग थैलियाँ हैं, बच्चे एक ही एग से 3 बने हैं, या 3 अलग अलग एग से बने हैं। तो इस जो हमारे पास केस हुआ है उसमें 2 बच्चे एक ही थैली में थे, बॉय एंड अ गर्ल, और जो तीसरा बच्चा है उसकी अपनी सेपरेट थैली थी और सेपरेट प्लेसेंटा था। तो हमारे पास इसको डायएमनियोटिक डायकोरियोनिक ट्विन्स हम बोल सकते हैं, ट्रिपलेट्स बोल सकते हैं इसको। ये नेचुरल कंसेप्शन था पेशेंट का, उसने कोई IVF या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया। इस पेशेंट के पास पहले 2 बेटियां हैं जी, तो अब इनके पास टोटल 5 बच्चे हो गए। मैम फिलहाल कितने बच्चे हुए हैं? 3 बच्चे हुए हैं, 3 में से कौन है, लड़का लड़की? 3 में से सबसे बड़ा बेटा है जी, 2 बेटियां हैं, तो टोटल 3 हैं। तो कितना टाइम लगा आपको इस डिलीवरी को पूरा करने में? ये हमने एक इलेक्टिव सिजेरियन किया था। सिजेरियन इसलिए कि जो 2 बच्चे हैं इनमें से उल्टे थे, ब्रीच प्रेजेंटेशन में थे, एक बच्चा सीधा था वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, और बच्चे टाइम से पहले हो रहे थे। 28 वीक्स के ऊपर इसको लेबर पेन शुरू हो गए थे, जो एक नोन कॉम्प्लिकेशन है मल्टीपल प्रेगनेंसी की। 3-4 दिन हमने इसको एडमिट रखा, पेन्स रोकने की कोशिश करी, बट देन वी कुड नॉट डू दैट। बट वो टाइम गेन हो गया हमारे पास इसको एक स्टेरॉइड कवर देने का लंग मेच्योरिटी के लिए। तो बच्चे अभी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और उनको सर्फैक्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ईच बेबी इज़ वेइंग 1 kg, 1-1 किलो के बच्चे हैं तीनों, और बच्चे निकू में हैं बट स्टेबल हैं एंड डे बाय डे इम्प्रूवमेंट पे। मैम आपके हॉस्पिटल में फर्स्ट केस है ऐसा? ट्रिपलेट्स का मेरे पास फर्स्ट केस है। अब आसपास 3 बच्चों के जन्म की खूब चर्चाएं हो रही हैं। परिवार में 3 नए मेहमान आए हैं, ऐसे में दिवाली से पहले परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई। वही दौरान बधाई देने वालों का भी तांता लगा है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।